श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माघ महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी से शुरू हो रही है। इस दिन किए जाने वाला उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छा बताया है। सीता जी ने स्वयं ये उपाय किया था जब वह लव कुश के साथ आश्रम में रहती थी, राम जी उनके साथ नहीं थे तब। ये उपाय उन्होंने राम जी के लिए किया था। करना क्या है, गुप्त नवरात्रि 2 तारीख से शुरू हो रही है, 9 दिनों तक का क्रम रहेगा ये। पहले दिन आपको शिव मंदिर में जाना है और 9 फूल लेके जाना है। आप कोई भी फूल ले सकते हैं, कमल के फूल, गुलाब के फूल, सरसों के फूल, जो फूल आपको 9 दिनों तक मिल जाए आप वो फूल लेना है। फूल चेंज नहीं होना चाहिए। पहले दिन यदि आप 9 गुलाब के फूल लेके गए हैं तो पूरे 9 दिनों तक आपको वही फूल लेकर जाना है। क्रम क्या रहेगा ये जान लेते हैं। पहले दिन जैसे आप 9 फूल लेके गए हैं शिव मंदिर में चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के 9 फूल। इसके बाद अगले दिन आपको 9 प्लस कर देना है, मतलब 18 फूल लेके जाना है। तीसरे दिन आपको फिर उसमें 18 में प्लस 9 करना है तो 27 फूल लेकर जाना है। ऐसे करके 9 दिनों तक आपको फूल लेकर जाना है। 9वें दिन जब आप फूल लेकर जाएंगे तो आपको कितने फूल लेकर जाने पड़ेंगे, 81। 81 फूल लेकर आपको शिव मंदिर में समर्पित करना है अपनी मनोकामना करके। गुप्त नवरात्रि का यह अचूक उपाय है, जो भी आपकी मनोकामना है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।